सुप्रभात सुप्रभात सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज रविवार का दिन, हमारी प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास होती है, 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास होती है। और फिर से आज हमारे साथ मधु जी जुड़ी हैं। बहुत बढ़िया साधना, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। तो आइए मधु जी के साथ शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, अधिकाधिक पंजों को सामने तानेंगे, दोनों हाथ पीछे रखें और पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करेंगे दोनों प्रयास। जब सामने ताने, अपनी ओर ताने, कुछ पल रुकें और महसूस करें प्रभाव को। चेहरे पर प्रसन्नता हो, लगातार होठों पर मुस्कान हो, करते जाएं। रक्त का प्रचार प्रसार बहुत बढ़िया से हो रहा है जी। अब गोलाकार घुमाएंगे दोनों पंजे एक साथ। पुनः ध्यान रहे, घुटने दबे रहे। सबसे विशेष बात जो ध्यान रखनी है, क्रिया के दौरान घुटने ना उठे। विपरीत दिशा से भी करेंगे रिवर्स। बहुत बढ़िया। दोनों पांव को 1 फीट खोलें, दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। उन्हें कोशिश करें घुटने हमारे लगातार दबे रहें। करते जाइए। उन्हें एक बार एड़ियो को मिलाइए, एक बार राइट पांव की एड़ी हिप्स को टच करे, फिर लेफ्ट पांव की एड़ी टच करे। इस प्रकार पांव को खोलिए, मोड़िए, हथेलियों का सहारा लेकर करते जाएं। दोनों पांव से इकट्ठा करेंगे और कोशिश करेंगे घुटने भी निकट से निकट रहें। करिए जी। सभी प्रयास करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। हर बार कोशिश हो एड़ी मेरी हिप्स को टच करे। वापिस आ जाएं, उन्हें थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। इसी अवस्था में अब दोनों पंजे सामने ताने, दोनों हाथ अपने राइट साइड में रखें और गर्दन को राइट में घुमाकर पीछे देखें, फिर लेफ्ट में रखें, पीछे देखें। पंजों को तान के रखिए, कटी भाग को घुमाना है आपने। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। दोनों पांव को ज्यादा से ज्यादा खोलें, खोलिए जी, और दोनों हाथों को क्लैंप करके एक बार दाएं पंजे की ओर झुकिए, लेके जाएं दोनों थैलियां इकट्ठी पंजे से आगे, फिर वापस आए, फिर लेफ्ट साइड में झुकिए। करिए जी। उन्हें घुटने दबा के रखें, पंजे तान के रखें। कमर का उपयोग कीजिए, बहुत सुंदर साधना आप लोग कर रहे हैं जी। जब आगे झुकें, श्वास छोड़ें, पेट को संकुचित करें। बहुत बढ़िया। अब
चक्की चलाएंगे इसी अवस्था में। करिए जी, घुमाइए अपने पूरे कटी भाग को, दोनों पंजों को कवर करते हुए। बहुत अच्छा जी, रिवर्स भी घुमा लीजिए विपरीत दिशा से। सभी ने प्रयास करना है जी, करेंगे करेंगे करेंगे। बहुत अच्छा, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लेंगे, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। पांव में दूरी कम है, चेहरे पर लगातार खुशी का एहसास है। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियां निकट लेकर आ जाइए, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कीजिए और दोनों घुटनों को पूरी मस्ती के साथ ऊपर नीचे कर दिए। करिए जी, प्रारंभ कीजिए। सभी प्रयास करेंगे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। लगातार एड़ियां निकट खींचिए, ज्यादा से ज्यादा कमर गर्दन मेरी लगातार सीधी हो। आंखें बंद करके पांव के जोड़ थाई पर विशेष प्रभाव को महसूस कीजिए। आ जाएंगे वापस, पांव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाकर पहले राइट लेग को मोड़िए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए। इस प्रकार एड़ियों की स्थिति बने कि नाभि के दाएं बाएं आए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, पुनः सभी रीढ़ गर्दन सीधी रखें जी। पूरा ध्यान, पूरा फोकस हमारा आते जाते श्वासों पर हो। हर श्वास में प्रभु की अनुभूति, ये श्वास ही तो प्राण है, ये श्वास ही तो जीवन है। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे, भरेंगे श्वास। भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोल लीजिए, हल्का सा पंजों को पांव को विश्राम दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं कोण आसन से। सर्वप्रथम दोनों पांव अधिक से अधिक सामने की ओर तानेंगे, दोनों हाथ पीछे रखेंगे। अपनी क्षमता को जरूर ध्यान में रखेंगे, लेकिन प्रयास सभी करेंगे। हथेलियों पर, एड़ियों पर वजन डालेंगे, पांच उंगली मिलाकर मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ करें। बहुत आराम आराम से करें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं हो। करिए जी, बहुत बढ़िया जी। मधु जी पंजे देखिए आसन के ऊपर, पूरा शरीर एक लाइन में, और सबसे अच्छी बात स्थिरता, सहजता। सर्वाइकल भाग आपका प्रभाव में है, कंधे मजबूत बन रहे हैं, साइटिका नाड़ी आपकी पूरी तरह खिंचाव में है, स्वस्थ हो रही है, पूरी बॉडी पर हमारा नियंत्रण आ रहा है। बहुत शानदार जी मधु जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। सभी साधक बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा। रुकने का समय बढ़ाना है जी हमने, धीरे धीरे बड़े आराम से बिल्कुल समय लगाते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, आराम आराम से वापस आएंगे। विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद रहे। पश्चिमोत्तान आसन करेंगे जी, इसी का विपरीत आसन समझ लीजिए। कमर का उसमें उपयोग होगा, दोनों पांव सामने हैं, दोनों हाथ सामने लेकर जाएं कंधे की सीध में, और फिर लेकर जाएं आकाश की ओर। एक बार भुजाओं को लंबाई दीजिए, खिंचाव दीजिए, और श्वास छोड़ते हुए बिना भुजाओं को हिलाए कमर से आगे झुकिए, बिना घुटने को उठाए, और कोशिश कीजिए जितना संभव हो सके। जरूरी नहीं कि हमारा माथा घुटने से लगे ही लगे, लेकिन हमने सही करना है। जब आगे झुके पेट को संकुचित करना है अंदर की ओर, और संभव हो तो पंजों को पकड़ ले, और फिर थोड़ा और प्रयास करें। कमर का इसमें सबसे ज्यादा रोल रहेगा। जितना भी हो लेकिन घुटने ना उठें जी, इस बात का आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। लीवर पर, पैनक्रियाज पर, पेट के सभी आंतरिक अंगों पर बहुत बढ़िया से दबाव बन रहा है, प्रभाव आ रहा है। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया जी मधु जी, बहुत सुंदर प्रयास है। धीरे धीरे तानते हुए लेकर आएंगे शरीर को, फिर से एक बार सीधा कर दे, भुजाएं आकाश की ओर खींचे एक बार, और साइड से तानते हुए भुजाओं को लेकर आएंगे नीचे। विश्राम ले लीजिए, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। देखिए कैसा प्रभाव, कैसा लग रहा है शरीर को। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाइए, और वज्रासन में आ जाइए।
आंखें बंद है, वज्रासन पूर्ण आसन अपने आप में। इसमें आप देखेंगे वज्रासन में आप किसी भी समय बैठ सकते हैं। पाचन आपका बढ़िया बनता है, घुटने के जोड़ आपके प्रभाव में आते हैं, मस्तिष्क को, हृदय को रक्त की आपूर्ति ज़्यादा होती है, लंबी सैर के फायदे आपको मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी, किसी भी समय कर सकते हैं, कितनी भी देर कर सकते हैं। मुस्कुराते रहिए सामान्य श्वास में। आइए यहां पर एक बार करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथ अपने लेकर चलेंगे आकाश की ओर, खींचे ऊपर, खोलिए भुजाओं को और फिर शक्ति लगाते हुए मुट्ठी बनाकर नीचे लेकर आएंगे। वापिस आंखें बंद, शरीर में आई हुई गर्मी को महसूस कीजिए। लगातार मुस्कुराते रहिए, घुटने मिला के रखें, पीछे पांव के अंगूठे मिला के रखें। फेफड़े आपके प्रभाव में आए, सक्षम बने, कंधे आपके मजबूत बने, पूरे शरीर को प्राण शक्ति। कटी चक्र आसन करेंगे जी। दोनों हाथ कंधे की सीध में, सामने हथेलियां आमने सामने, घुटने नहीं खुलेंगे। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ गर्दन सहित राइट साइड में लेकर जाएं, बाईं हथेली दाएं कंधे के निकट, कलाई सीधी, घुटना नहीं खुलना चाहिए जी। सामने लेकर आइए, लेफ्ट साइड में घूम जाइए। वेरी गुड, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, कलाई को नहीं मोड़ना जी बिल्कुल भी, घुटने नहीं खुलने चाहिए, झुकना नहीं हमने, घूमना है साइड में, राइट साइड में। लेफ्ट साइड में जैसे आप वज्रासन में बैठे थे वैसी स्थिति में बस गर्दन को, कंधों को घुमाना है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। सामने लेकर आइए, उन्हें दोनों भुजाएं नीचे, आंखें बंद, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। थोड़ा फिरकी चलाएंगे, दोनों हाथ अपने सामने लेकर और पीछे की ओर झटके से कंधे को लेकर जाइए, जैसे कि हमने कोहनियों को आपस में टच करना हो, करिए जी। झुकना नहीं है जी आगे, गर्दन भी लगातार सीधी रहेगी, मुस्कुराते हुए करते जाइए। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। इसी अवस्था में बैठकर जैसे गोमुख आसन करते हैं वैसे कुछ करेंगे जी। अपने राइट हैंड को ऊपर से लेकर जाएं, लेफ्ट हैंड को पीछे से,
कोहनी आकाश की ओर, फिर वापस आएं, दूसरी ओर लेकर जाएं, करिए जी। दो तीन आवृत्तियां करेंगे इसकी, गर्दन को सीधा रख के करेंगे, पीछे हाथ को टच करने की कोशिश करें, उंगलियों को करते जाइए अपनी क्षमता हिसाब से, एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में, करेंगे करेंगे, घुटनों को मिलाकर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते रहिए, शानदार। सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं जी। आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, अपनी पांचों उंगलियां कंधे के ऊपर रखेंगे और कोहनियों को घुमाएंगे, घुमाइए जी। कोशिश करें जब आगे की ओर आए, कोहनियां आपस में स्पर्श करें, फिर ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे। देखिए हम सूक्ष्म क्रियाएं भी कर रहे हैं, आसन भी कर रहे हैं और वज्रासन का लाभ लगातार ले रहे हैं। तो ये देखिए कॉम्बो इफेक्ट आते हैं हमारे को, लेकिन सभी अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाइए वज्रासन में बैठने के, विपरीत दिशा से करिए रिवर्स, पता लगे शरीर को कि हाँ हम योग से जुड़े हुए हैं। जब एक सवा घंटे की हम साधना करके जाएं, एक एक अंग हमारा, एक एक मांसपेशियां हमारी प्रभाव में आकर और फील होना चाहिए। ये आ जाएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स, चाइल्ड पोस्चर में विश्राम करेंगे। कमर से आगे झुकिए और दोनों हाथ शरीर के साथ बिल्कुल रिलैक्स होकर के इसी अवस्था में बैठ जाएं। थोड़ा जैसे हम शशंक आसन करते हैं, लेकिन हाथ आगे नहीं लेके जाएंगे, शरीर के साथ रहेंगे और आगे झुक जाएंगे और हाथ पांव के साथ में ऐसे। हाथों को पीछे लेके जाए और बिल्कुल ऐसे लेट जाए। हाँ, रिलैक्स एकदम, सामान्य श्वास, मुस्कुराते हुए बिल्कुल रिलैक्स। आएंगे वापस यहीं से, खड़े हो जाएंगे, कोशिश करेंगे हाथ के सहारे की जरूरत ना पड़े जी। वेरी गुड, कुछ खड़े होने की क्रियाएं और सूर्य नमस्कार। प्रज्ञा मेरे साथ है तो प्रज्ञा से मैं चाहूंगा कि वो कुछ कराए, एक आध सूक्ष्म क्रिया, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार। करेंगे वृक्षासन। दाहिनी एड़ी को रखे बाएं पांव की जगह पर, दोनों हाथ साइड से तानते हुए ले जाएंगे ऊपर। जिनसे वृक्षासन ना हो, ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, जो वृक्षासन कर सके वृक्षासन करेंगे। फिर हम लोग नॉर्मल ताड़ासन करते हैं, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ सर के ऊपर रखे क्लैंप करके और श्वास भरते हुए हाथ ले जाए ऊपर और साथ के साथ एड़ियां भी उठा दें। बैलेंस के लिए आगे किसी एक पॉइंट पर फोकस बना लें। बहुत बढ़िया जी मधु जी। हमारे शरीर की प्रत्येक नस नाड़ी प्रभाव में आते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए साइड से हाथ ले आए नीचे,
करेंगे विश्राम। अब हम करते हैं पांच बार उठक बैठक। पांव अगर मिला के कर सके मिलाकर करें, नहीं तो खोलकर। दोनों हाथ कंधों के सामने, जाएंगे नीचे एक, ऊपर दो, ऊपर तीन, ऊपर चार, ऊपर अंतिम बार पांच। थोड़ा रुकेंगे, ऊपर हाथ नीचे। अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। अपने आसन के आगे वाले हिस्से पर आ जाएं, दोनों एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए हाथ शरीर के साथ। आएंगे नमस्कार मुद्रा में, करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं आकाश की ओर और तांदे हाथों को ऊपर से ऊपर। बुझाए कान के साथ सटी रहेंगी, थोड़ा सा आर्क बनाए और झुके पीछे की ओर। हाथों की कलाई एकदम सीधी, पांचों उंगलियां मिली रहे। श्वास भरे लंबाई दे शरीर को और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकना प्रारंभ करें। ध्यान रहे बुझाए कान से अलग ना हो। प्रयास करें आसन टच करने का। पेट का संकोचन करें और माथा ले जाए घुटनों के और नज़दीक से नज़दीक। ध्यान रहे घुटने ना मुड़े। वेरी गुड मधु जी, घुटने बिल्कुल सीधे हैं मधु जी के। दोनों हथेलियों को पंजों के दाएं बाएं जमा दें और लेके जाएंगे दायां पांव पीछे से पीछे। 15 उंगलियां एक लाइन में, गर्दन ऊपर से ऊपर। हमारा लीवर खिंचता हुआ, पैंक्रियास दबते हुए, लेके जाएंगे दूसरा पांव भी पीछे से पीछे, पर्वताकार स्थिति। बहुत अच्छे, देखिए उनकी एड़ियां भी आसन पे लग गई हैं। वाकई बहुत बढ़िया जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। ठुड्डी भी ले जाए कान को में, अधिक से अधिक वी आकार बने हमारा। पर्वत की तरह हमारा शरीर मजबूत बनता हुआ। आएंगे पैरेलल, हमारा शरीर एकदम फट्टे की तरह सीधा। एड़ी हथेलियों पे भार, कंधे मजबूत बनते हुए। क्रम से लगाएंगे घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती व माथा। अष्टांग प्रणाम, पीछे से एड़ियां मिली रहें। धरती मां के गुण हमारे अंदर समाते हुए, गुस्सा शांत होता हुआ, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ आता हुआ। अब आगे से धड़ को उधकेलते हुए कोनिया कर दे सीधी। भुजंगासन, इसमें हमारी अक्सर एड़िया में खुल जाती है। एड़ियों को मिला के रखें, घुटने मिले रहे, थाई का दबाव बनाकर रखे आसन की ओर। रीढ़ के लिए बहुत ही अच्छा आसन, पुराने से पुराना कमर दर्द ठीक होता है। वेरी गुड मधु जी, आपकी तो थाई भी लगातार आसन को टच कर रही है जी, प्रेरणा लेनी है हमने। वीडियो को बाद में भी देखना है, परिवार के अन्य सदस्यों को भी दिखाना है। बिना घुटनों का सहारे लिए बीच से धड़ को उठा दे और पुनः आ जाएंगे पर्वताकार स्थिति। स्थितियां रिपीट होंगी यहाँ से।
ध्यान रहे 500 उंगलियां मिली रहे महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम आसन। शानदार जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मधु जी। इतनी सहजता, इतनी स्थिरता। पुनः लेके आएंगे दाया पाव हथेलियों के बीच, एक ही बार में पूरी हथेलियां लगाएंगे आसन पर, 15 उंगलियां एक लाइन में। अब की बार लेवन तपता हुआ पैनक्रियास खींचते हुए माथा भी रखे आकाश की ओर, पीछे सीधे पांव का घुटना आसन से ऊपर रहे। ले आएंगे दूसरा पांव भी आगे। प्रयास करें हमारी अब की बार आधी हथेली या पूरी हथेली लग जाए। पेट को अंदर की ओर पिचकाएं और थोड़ा और झुकने का प्रयास करें। हथेलियाँ भी निकट पहुंच गई है मधु जी आपकी, घुटना लेकिन बिल्कुल सीधा है। यही हमने कोशिश करनी है, सभी साधक आप लोग भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। श्वास भरते हुए कमर से सीधे हो जाए, बुझाए लिए ऊपर, पुनः श्वास भरे और शरीर को ताने ऊपर से ऊपर, आर्क बनाए थोड़ा पीछे की ओर, नमस्कार मुद्रा में करेंगे सूर्य भगवान का महिमन धन्यवाद। आ जाए वापस आसन पर, लेट जाए और शवासन में करें विश्राम। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण आसन, हमें एक ही में 12 आसनों का लाभ मिलता है और हमारे शरीर का प्रत्येक अंग प्रभाव में आता है। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रज्ञा, बहुत सुंदरता से एक एक आवृत्ति पूरे ध्यान से इतने बढ़िया ढंग से करवाई गई। अब आनंद लीजिए सब आसन का। आएंगे चेतन अवस्था में, यहीं से राइट साइड में करवट लेकर पेट के बल आ जाएंगे जी, पेट के बल आ जाइए। और अब हम पेट के कुछ आसन करेंगे। चलिए जी नौका आसन करते हैं, बहुत ही बढ़िया आसन है, कई तरह की इसकी स्थितियां होती है, आज उनको प्रयास करेंगे करने का। राइट हैंड को आगे ले जाइए, लेफ्ट हैंड शरीर के साथ है, दोनों पंजे मिले हुए लेटे हुए, घुटने भी मिले हुए, श्वास भरते हुए आगे से धड़ राइट भुजा को उठाएं, पीछे से लेफ्ट पांव को उठाएं और पूरे शरीर को तान दें विपरीत दिशा में। शरीर मेरा टिल्ट ना हो जी, कंधे की ऊंचाई, दोनों कंधों की ऊंचाई बराबर हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है जी सबने। कलाई सीधी रहेगी, भुजा कान के साथ रहेगी, सामान्य श्वास में रुकें, पंजे दोनों पांव के तने हुए। बहुत बढ़िया जी मधु जी, एफर्ट्स बहुत जरूरी है, बस धीरे धीरे आएंगे वापस, इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से।
हाथों की पोजीशन रिवर्स कीजिए, लेफ्ट हैंड आगे, राइट हैंड शरीर के साथ, श्वासों को पहले सामान्य कीजिए, एकदम रिलैक्स रखिए अभी अपने आप को। और फिर से मन बनाएंगे, आंख बंद करके मुस्कुराकर आगे से धड़ उठाइए, पीछे से राइट लेग को उठाइए, थाई सहित उठाइए। उन्हें ध्यान रखना है मेरे दोनों कंधे आसन से समान ऊंचाई पर हों, किसी भी तरफ मेरा शरीर टिल्ट नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया जी मधु जी, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा प्रभाव, ताड़ासन के भी लाभ, पीठ का मोटापा दूर। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन में, आ जाइए राइट साइड का, दाई टांग दाई भुजा को सीधा कर लीजिए, बाई भुजा बाई टांग को मोड़ लीजिए, सामान्य श्वास में रुकिए, मुस्कुराकर रुकिए। फिर से आएंगे जी, एक बार स्थिति में दोनों पांव मिलाएंगे और दोनों हाथ लेकर जाएंगे अब की बार आगे की ओर, माथा पृथ्वी पर, पंजे मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे, और श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएंगे, पीछे से दोनों पांव उठाएंगे, केवल पेड़ू आसन पर रह जाए, विपरीत दिशा में खींच दें, भुजाएं कान के साथ हैं, घुटने लगातार आपके सीधे हैं, सामान्य श्वास में रुकें, बिना किसी तनाव के रुकें। बहुत बढ़िया जी, कलाई को चेक कीजिए जी अपनी, सभी साधक साधिकाएं, भुजा कान के साथ है जी, सामान्य श्वास में रुकना है, पीठ के ऊपर बहुत बढ़िया प्रभाव, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी लोग। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन, बाई ओर का, लेफ्ट साइड का, ये एक घंटे आपने अगर पूरे मन से, थोड़ा अपने कंफर्ट से बाहर आकर अगर आपने साधना की, पूरे 23 घंटे आपके बड़े उत्साह से, बड़ी उमंग से गुजरेंगे, हर काम में एफिशिएंसी आएगी, थकावट बिल्कुल नहीं होगी, नींद बढ़िया आएगी, भूख अच्छी लगेगी, निष्कासन सहज होगा, और प्रतिदिन अगर जुड़े रहेंगे जीवन पर्यंत हम डॉक्टरों से दूर रहेंगे। आइए फिर से मन मनाएंगे जी, नौकासन की अगली स्थिति, दोनों थैलियां ले चलें अपनी गर्दन के पीछे, उंगलियों को आपस में क्लैंप करेंगे, मन बनाएंगे जी, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, लेकिन बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, पंजों को तानिए, पंजों को लिटा लीजिए, घुटनों को मिलाइए, एड़ियों को मिलाइए, और श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से दोनों पांव, पुनः एक बार पेड़ू आसन पर, चेस्ट भी उठ जाए, और यहां पर कोहनियों को नीचे की ओर ना लटकने दें जी, ऐसा कोशिश करें जैसे कोहनियों को ऊपर से ऊपर लेके जा रहे हो, ताकि तभी कोहनियां मेरी एक लाइन में आएंगी, हथेली का प्रेशर गर्दन पर, गर्दन का प्रेशर हथेली पर, सामान्य श्वास में रुके जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया मधु जी, हर आसन मधु जी बहुत तल्लीनता के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ करती हैं, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, रुकना है, रुकने से ही फायदा होना है। धीरे धीरे आएंगे वापस पुनः एक बार शिथिल आसन, दाई ओर, राइट साइड का, शिथिल आसन जब करते हैं कोशिश कीजिए मेरा जो मुड़े हुए पांव की थाई है वो पूरी तरह आसन पर लगे,
पूरा पेट मेरा आसन पर लगे, इतना ढीला शरीर को छोड़ना है मैंने। ये शिथिल आसन आपका विश्राम भी दे रहा है, आपके बीपी के लिए भी बहुत ही लाभकारी स्थिति है। आइए फिर से एक बार मन बनाएंगे और नौकासन की अगली स्थिति लेंगे। फिर से दोनों पांव शरीर मिला लीजिए, दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं कंधे के निकट रखें, कोहनियों को भी निकट रखें शरीर के साथ। और अब की बार जैसे हम नाव चलाते हैं, क्षमता को जरूर ध्यान में रखेंगे, जोश जोश में कई बार हम नए साधक तो बिल्कुल भी गलती ना करें। चलिए जी, मन बनाएंगे और मुस्कुराते हुए उत्साह के साथ आगे से धड़, नीचे से पांव उठाकर और थोड़ा हाथों को आगे पीछे करके हिचकोले लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, करिए जी करिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए आप सहजता से करिए, ये नहीं कि हमने बहुत जल्दी, जैसे आप देखिए मधु जी को बड़े आराम आराम से, लेकिन पूरे प्रभाव को लेकर आइए अपने शरीर पर। कोशिश करें पांव ना खुले, पंजे तने रहें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए, दो तीन आवृत्ति और करिए जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आ जाएंगे वापस, पीठ के बल आ जाइए और विश्राम ले लीजिए। आज हमारी क्लास 7:15 तक होती है, पूरा आपका साथ चाहिए, रविवार का दिन है। सुंदर प्राणायाम ध्यान का अभ्यास होगा और मधु जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत प्यारी आवाज़ है इनकी, मधुर आवाज़ में एक भजन की थोड़ी दो लाइनें भी हमारे को सुनाएं। चलिए जी एक आसन और करते हैं, काफ़ी दिनों से हमने नहीं किया, बहुत बढ़िया लगता है मेरे को ये आसन, और मधु जी का आसन भी बहुत बढ़िया होता है। अपने साइड में जैसे विष्णु भगवान जी लेटते हैं ऐसे आप लेट जाइए जी। सभी प्रयास करेंगे, इस आसन का नाम मैं याद तो है रहता है लेकिन भूल जाता हूँ, थोड़ा लंबा नाम है इसका। कोशिश कीजिए आपकी कोहनी से लेकर पंजे तक दोनों पूरा शरीर एक लाइन में हो जी। पहली स्थिति आपने ये करनी है, बायां हाथ देखिए आपका शरीर के ऊपर है और चेहरे पर लगातार खुशी रखिए, बहुत बढ़िया आसन है, बड़ा अच्छा लगता है, इसमें आनंद आता है। अब अपने लेफ्ट पांव के घुटने को थोड़ा मोड़कर हाथ से अपने अंगूठे को पकड़ लीजिए, क्लैंप कर लीजिए और फिर उसके बाद पांव को सीधा कर दीजिए ऊपर। जिनसे पांव का अंगूठा नहीं पकड़ में रहे वो अपने हाथ को खोल सकते हैं, मतलब जैसे हम पादुतान आसन करते हैं ऐसे केवल पांव को हाथ को 90 डिग्री पर रखें बिना पकड़े। जो कर पाए मधु जी की तरह करें, जरूर करें जी। सामान्य श्वास में रुकिए और देखिए कितना अच्छा प्रभाव, पांव के जोड़ विशेष प्रभाव में है, कंधे में खिंचाव आ रहा है मेरे, बैलेंस बन रहा है, प्रजनन अंग मेरे स्वस्थ होते हैं जी। रुकिए, बहुत बढ़िया जी, मधु जी बिल्कुल घुटना सीधा है, बहुत शानदार, धीरे धीरे समय को बढ़ाना है जी। देखिए आसन तो गिन चुन के वही घूम फिर के उसी प्रकार होने हैं, लेकिन हमारे रुकने का समय ज्यादा होना चाहिए, पूर्ण स्थिति में हमें आनंद की अनुभूति हो। एक बार हाथ छोड़ दीजिए, पांव को एक बार तानिए और तानते हुए धीरे धीरे हाथ को पांव को वापस लेकर आइए, पीठ के बल आ जाइए, थोड़ा सा एक बार विश्राम ले लीजिए, रिलैक्स हो जाए। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए।
कोई भी साधक जबरदस्ती ना करें, कोई आसन ना कर पाएं, उसकी जगह कोई दूसरा आसन कर लें आप। चलिए जी, मन बनाए, अब की बार दूसरी ओर से करेंगे। अपने लेफ्ट पांव के ऊपर आ जाएंगे, बाएं हाथ की हथेली कान के नीचे, पूरा शरीर पहले एक लाइन में, और पहले अपने राइट पांव को मोड़िए थोड़ा, अंगूठे को पकड़िए और फिर उसके बाद घुटने को सीधा कर दीजिए। पुनः एक बार नीचे वाले पांव के पंजे को तान के रखिए, सामान्य श्वास में रुकिए, आंख बंद करके रुकिए, चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर रुकिए। प्रतिदिन कोशिश होती है कुछ बदल कर नया कुछ कराया जाए, इसलिए प्रतिदिन जुड़िए। और योग 365 दिन की जाने वाली क्रिया है, जैसे हम प्रतिदिन नींद लेते हैं, प्रतिदिन भोजन करते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, ऐसे ही योग मेरी उससे भी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। हो सकता है एक बार कि हम भोजन हम छोड़ दें, हो सकता है नींद हमारी एक दिन आगे पीछे हो जाए, ब्रश करना भी छूट सकता है, लेकिन योग करना बिल्कुल भी ना छोड़े। बहुत बढ़िया जी, धीरे धीरे एक बार हाथ को छोड़ दीजिए, तानिए पंजे को, और बड़ी सहजता के साथ मुस्कुराते हुए आएंगे वापिस। फिर से एक बार पीठ के बल विश्राम ले लीजिए, सामान्य श्वास, रिलैक्स। अभी हमने नौकासन किया था, उसी की एक विपरीत स्थिति करते हैं। आज का आखिरी आसन रहेगा हस्तपादोत्तानासन। सभी प्रयास करेंगे, मन बनाएंगे, इसमें आपका हिप्स के ऊपर वजन आएगा, नौकासन में हमारा पेट के ऊपर वजन आया था जी। सभी मन बना करके पांच उंगलियां मिला लीजिए, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर कीजिए, और श्वास भरते हुए दोनों पांव उठा दीजिए, कंधे उठा दीजिए, हाथ उठा दीजिए। फिर से एक बार नौका जैसी स्थिति बनेगी और रुक जाइए यहाँ पर। एक बात का ध्यान करें कि कंधे की ऊंचाई और टखनों की ऊंचाई आसन से समान हो, बस। रुकिए रुकिए रुकिए, कोशिश करिए जी सब लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। पंजे को तान के रुकना है जी, बहुत शानदार। नाभि मंडल प्रभाव में है, मोटापा जल्दी से दूर होगा। धीरे धीरे आइए वापिस, सवासन, दोनों पांव में सुविधा के हिसाब से गैप दे दीजिए, उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए, मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। पहला सुख निरोगी काया, शरीर हमारा अंतिम श्वास तक हमारे साथ रहना है। ये रथ कह लो, व्हीकल कह लो, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, इसको यही हमारे को लेके जाएगा। बाकी सब चीज़ें छूट सकती हैं,
छूट जाएंगी, इसलिए इसको हमने पूरी तरह मेंटेन रखना है, स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है, पूरा ध्यान रखना है इसका। सोच कर देखिए आप एक बार अपने किसी रिलेटिव के बारे में जो हॉस्पिटलाइज है या घर पे बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है, कितनी बुरी हालत होती है। परिवार के सदस्य ही प्रार्थना करते हैं कि अब भगवान इसको उठा ले। सोचिए ऐसी स्थिति जिसके लिए उस सदस्य ने पूरा जीवन अपना लगा दिया, लेकिन अगर उसकी हेल्थ अगर बिगड़ गई तो बड़ा मुश्किल है। ऐसी हालत हमारी कभी ना आए, इसके लिए योग से बढ़िया कोई माध्यम नहीं। बहुत बढ़िया आपकी ये इन्वेस्टमेंट है, बाद में डॉक्टरों के हम अपॉइंटमेंट लें, बिस्तर पे रहें, तो उससे कम समय आपने देना है। बस यहाँ पे लगा डेली आपने 1 घंटा देना है बस। कीजिए ईश्वर से प्रार्थना, कीजिए गुरुजनों से प्रार्थना, उनकी कृपा सदैव बनी रहे। दिन की शुरुआत हमारी प्रतिदिन योग से हो। किसी दिन योग हमारा सुबह छूट जाए तो संकल्प लें उस दिन हम भोजन भी छोड़ दें, कम से कम 1 समय का भोजन तो छोड़ दें, ताकि याद रहे हमें कि आज हमने साधना नहीं की। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, मुस्कुराते हुए राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। आइए, इतने बड़े आसनों का अभ्यास करवाया मधु जी ने, हर समय तत्पर रहती हैं, जब भी बोला जाता है हमेशा पूरे परिवार का भी ध्यान रखते हुए और साधना में हमारे साथ जुड़ती हैं। चलिए जी, मस्ती के साथ मधु जी के साथ आइए, हंसी प्रारंभ करेंगे। हंसते जाए। अंतिम आवृत्ति। शांत, अब सभी शांत भाव से बैठ जाए, हिलडुल ना हो। कोशिश करें शांति पाठ तक हम आंखें बंद करके बैठे रहें। बीच में अगर पांव की स्थिति आप चेंज करना चाहें किसी भी समय चेंज कर सकते हैं। कोशिश हो रीढ़ गर्दन सीधी रहे, उस पर हमारा ध्यान बीच बीच में बना रहे, क्षमता से अधिक ना करें। जिनको श्वास संबंधी प्रॉब्लम हो वो श्वास रोकने की कोई भी क्रिया ना करें। भस्त्रिका प्राणायाम से प्रारंभ करेंगे, चारों चरण करेंगे उसके। विशेष सर्दी के मौसम में किए जाते हैं और ये तोहफा है सर्दियों का, जैसे हलवा होता है गाजर का, वो हमें सर्दियों में ही मिलता है, उसका आनंद हम लेते हैं। इसी प्रकार कुछ आसन, कुछ प्राणायाम हैं जो सर्दियों में ही कराए जाते हैं। चलिए जी, मन बनाएं, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी है, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। मूल बंद का विशेष महत्व है इस प्राणायाम को करते हुए, मूल बंद जरूर लगाएं। मूल बंद अपनी निष्कासन इंद्रियों को ऊपर की ओर खींच लेना। अंगूठे को दाईं नासिका पर रखें, अनामिका को बाईं नासिका पर रखें और अंगूठे को हटाकर राइट से ही श्वास को भरिए, राइट से ही छोड़िए। प्रारंभ हो जाइए। Mm-hmm.
दाईं ओर से अधिकाधिक श्वास को भरकर आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, दोनों नासिकाएं बंद, मूल बंद जरूर लगा रहे। जब रुकना संभव ना हो अनामिका को हटाएंगे, धीरे धीरे लेफ्ट साइड से बगैर आवाज किए श्वास को बाहर निकाल दें। हाथ फिर से घुटने पर आएगा और सुंदर आनंद के साथ, सुंदर प्राण शक्ति के साथ खो जाए। इतना बढ़िया एहसास होता है जिसे हम शब्दों में नहीं बता सकते। केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। जो साधक साधिकाएं स्नान करके जुड़ते हैं, प्रारंभ से जुड़ते हैं, सूक्ष्म क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं, उनको तो विशेष अनुभूतियां होने ही होनी है। फिर से एक बार मन बनाएंगे, पुनः एक बार दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ जमा हुआ बाएं घुटने पर। अब की बार अनामिका को हटाएंगे, बाईं ओर से ही श्वास को भरेंगे, बाईं ओर से ही छोड़ेंगे। करिए जी प्रारंभ। बाईं ओर से अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए, पुनः आंतरिक कुंभक में रुक जाइए, मूल बंद लगाकर रुक जाइए, दोनों नासिकाएं बंद करके रुक जाइए। अंगूठे को हटाएंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए राइट साइड से, पुनः हाथ नीचे, सामान्य श्वास, जुड़े अपनी मन स्थिति के साथ। ये जो आनंद आप लूट रहे हैं, हम हजारों रुपए खर्च करके भी ये आनंद नहीं पा सकते। घर बैठे आप लोग सुंदर साधना कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं। कीजिए धन्यवाद भारतीय योग संस्थान का, कीजिए धन्यवाद अपने पेरेंट्स का। पुनः एक बार मन बनाएंगे, फिर से एक बार प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे दाएं हाथ की। अब की बार अनुलोम विलोम की भांति भरिए, शुरू करेंगे राइट से, छोड़ेंगे लेफ्ट से, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। शुरू हो जाए जी।
राइट साइड से अधिकाधिक श्वास को भर लेंगे, आंतरिक कुंभक में रुक जाएंगे, दोनों नासिकाएं बंद करके रुक जाएंगे, मूल बंद लगाकर रुक जाएंगे। जब लगे संभव नहीं हो रहा, मुस्कुराते हुए अनामिका हटाएंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। पुनः सामान्य श्वास, आंखें कदापि ना खोलें। उन्हें एक बार मन बनाएंगे भस्त्रिका प्राणायाम का चौथा और अंतिम चरण। ये चार प्राणायाम देखिए हमारे हो जाते हैं इसके अंदर, और सूर्य नाड़ी हो, चंद्र नाड़ी हो, पेट के अंग हैं, हृदय है, मस्तिष्क है, पूरा शरीर इसमें प्रभावित होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला, और सर्दियों का तो कोई भी रोग हमारे निकट नहीं आएगा। पूरा मन से आइए करते हैं चौथा चरण। दोनों हाथ अब की बार घुटने पर रहेंगे, रीढ़ गर्दन सभी की सीधी है, और सबसे अच्छी बात सभी के चेहरे पर सहजता है, प्रसन्नता है। मूल बंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, दोनों से छोड़ें, शुरू करें जी। चेहरे की आकृति ना बिगड़े, इतना जोर ना लगाए, इतनी शक्ति ना लगाए। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए, आंतरिक कुंभक में रुक जाइए, मूल बंद लगाकर रुक जाइए, दोनों नासिकाएं बंद हैं। रुकिए रुकिए, थोड़ा रुकिए जी। जब लगे रुकना संभव नहीं हो रहा, धीरे धीरे श्वास को छोड़िए, बड़े आराम आराम से, और फिर अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में रुक जाइए। मूल बंद लगाकर रुकिए, मूल बंद खोलते हुए सामान्य श्वास, विशेष अनुभूति, विशेष रोमांच को, विशेष स्पंदन को, वाइब्रेशंस को महसूस करें। कुछ ऐसी स्थिति बनती है कई बार कि ना श्वास लेने का मन करता है, ना श्वास छोड़ने का मन करता है, जिसे बोलते हैं कैवल्य कुंभक।
सुबह की समृद्ध वेला में सुंदर योगाभ्यास, सामूहिक योगाभ्यास करने से विशेष अनुभूतियां होती हैं। हमारे ऋषि मुनि इस वक्त साधना करते हैं, तो उनका जो ओरा होता है, उनका जो आशीर्वाद होता है, वो इस वातावरण में होता है और उसे हम ले पाते हैं। और वो तभी संभव होता है जब हम स्नान करके जुड़ें, समय से जुड़ें, पूरे मन से जुड़ें। जैसे मोबाइल होता है, जैसे उसके अंदर कनेक्टिविटी आती है, जैसे ही हम उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, जुड़ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में उसकी जो वाइब्रेशन, जो चीज़ें जो चल रही है, कनेक्शन है, तभी वो बातचीत हो पाती है। ऐसे ही हम भी ईश्वर से विशेष प्राण शक्तियां ले सकते हैं। चलिए जी, अगला प्राणायाम अग्नि सार प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटने पर रहेंगे, पेट की मूवमेंट होनी है जी इसमें। धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए, आनंद पूर्वक श्वास को भर लीजिए। एक बार पुनः श्वास को बाहर छोड़िए। अब की बार अधिकाधिक भार श्वास को छोड़कर बाह्य कुंभक में रुक जाएं, मूल मंत्र लगाकर रुक जाएं और इसी अवस्था में अपनी नाभि को अंदर भार कीजिए, जितनी देर आप श्वास को रोक सकें बाहर की ओर। 5 से 7 बार आप कर पाते हैं जी, कम कर सकें कम कीजिए। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वास को भरिए, सामान्य होकर अगली आवृत्ति कीजिए। उन्हें चेहरे पर कोई तनाव नहीं, रुके हुए श्वास की क्रिया, बाहर रुके हुए श्वास की क्रिया। नाभि को हमने रीढ़ की निकट लेके जाना है पीछे की ओर, फिर आगे करना है, फिर नहीं पीछे करना है। इसी प्रकार हमने, और बहुत जल्दी नहीं करनी। कई बार साधक बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं, ऐसा नहीं करना जी। बड़े आराम से पीछे लेके जाना है, आधा एक सेकंड रुकना है, फिर आगे, फिर पीछे। करिए जी, करिए। अग्निसार क्रिया करने से मेरे पाचन अंग स्ट्रोंग बनते हैं। पाचन क्रिया अगर मेरी बढ़िया होगी तो मेरा निष्कासन भी बढ़िया होगा। पाचन क्रिया बढ़िया होगी तो जो भी भोजन से हम एनर्जी ले पा रहे हैं, वो सारी एनर्जी हमारे को अच्छे से मिलेगी, पूरे शरीर को मिलेगी, ब्लड के साथ वो मिल करके एक एक कोशिका तक पहुंचेगी। मोटापा दूर करने में भी बहुत ही सहायक है। जब आप देखिए पेट को अंदर भार संकुचित करते हैं, अंकुचित करते हैं, तो जो पेट में जमा हुआ मल है, जो स्थान बना लेता है, धीरे धीरे परतें उसकी जमने लगती हैं। तो जब इस प्रकार हम मसाज करते हैं तो वो परतें धीरे धीरे आपकी ढीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, टूटने लगती हैं। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था, होठों पर मुस्कान।
सभी कोशिश करें आंखें बंद रहे, सभी कोशिश करें रीढ़ गर्दन सीधी रहे, पांव की पोजीशन लगातार एक स्थिति में ना बैठा जाए तो बीच में चेंज कर लें। एक हम फेस की एक्सरसाइज करते हैं, दो तीन प्राणायाम भी करते हैं। अपने होठों को बंद करके बंद आँखों में ही, जैसे हम कुर्ला करते हैं तो जैसे मुंह में हमने पानी भर रखा है और उस पानी को हमने घुमाना है, इस प्रकार से आप घुमाइए अपने क्लॉकवाइज चार से पांच आवृत्तियां, फिर एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी साइड से भी करेंगे, दोनों ओर से पांच पांच आवृत्तियां अवश्य करें। बड़े से बड़ा घेरा बनाते हुए करें। आवृत्ति पूरी होने पर शांत सहज अवस्था महसूस करें। मेरे गाल की मांसपेशियां कितने अच्छे से प्रभाव में आई है। इसी की एक दूसरी क्रिया करेंगे। अब की बार अपनी जीभ को, होठ हल्के से खुलें और दांतों के बाहर की ओर से जैसे कोई चीज फंसती है ऐसे आप पांच बार करेंगे क्लॉकवाइज, पांच बार एंटी क्लॉकवाइज। जीभ से आपने करना है जी। कोशिश करेंगे सारे दांतों को छूते हुए जीभ मेरी घेरा बनाए। दोनों साइड से पांच पांच बार हो जाए तो शांत सामान्य श्वास महसूस करें। देखने में जितनी साधारण क्रिया लगती है लेकिन करने में पता लगता है कितना खिंचाव, कितना प्रभाव आता है इस क्रिया का। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, छह आवृत्तियां करेंगे। कोशिश करेंगे जी, आवाज़ जो है मैं कई बार नोट करता हूँ वो बाहर आती है, आपने कान बंद होने के बाद कोशिश कीजिए वो जो आवाज़ हो वो आपके माइंड में वाइब्रेट करे, स्पंदन करे। स्थिति लेंगे, आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर, अंगूठे से कानों को बंद करें, मूल बंद लगाकर जीवा को तालू से लगाकर शुरू करें जी।
आवर्ती को पूरा करते हुए शांत माइंड के लिए बहुत ही उत्तम अनिद्रा रोग को खत्म करने वाला तनाव डिप्रेशन जैसी महानगरों की बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाला भ्रामरी प्राणायाम आइए बहुत बढ़िया से हमने साधना की है कर रहे हैं और ये तभी संभव हो पा रहा है जब ईश्वर की कृपा हो रही है। अन्यथा कितने लोग हैं खुद हमारे परिवार के सदस्य हैं जो हर रोज सोचते हैं कि आज से हम करेंगे, पीछे उन्होंने सोचा कि नए साल से करेंगे, एक दिन की और उसके बाद फिर नहीं कर रहे। तो इसलिए जो है ईश्वर की कृपा हम सब के ऊपर बरस रही है जी, धन्यवाद कीजिए। तो आइए उस प्रभु का नाम लें, उसका गुणगान करें, पुकारें उस प्रभु को और उस हर पुकार में उस प्रभु की अनुभूति हो हमें, हर पुकार में लगे कि बस प्रभु मेरे साथ है, ऐसा अपने भाव बनाना है। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें, ब्रह्मांजलि मुद्रा हो, ज्ञान मुद्रा हो, जैसे आपको अच्छा लगे। भरेंगे श्वास,
बिल्कुल शांत भाव से बैठ, अपनी सुंदर दिव्य अवस्था का मानसिक अवलोकन करें। देखिए, ऐसा महसूस करें जैसे चारों दिशाओं में ओम का गुंजायमान हो रहा हो। इस ओम के स्पंदन से एक एक कोशिका पर आए हुए प्रभाव को देखिए। विशेष अनुभूतियां हर अनुभूति में ईश्वर को महसूस करें, उस परमपिता परमेश्वर को, उस शक्ति को महसूस करें जिसने हमें जीवन दिया, सुंदर परिवार दिया, जो इस सुंदर संसार को चला रही है। खो जाएं इस शक्ति के साथ मुस्कुराते हुए। आंखें बिल्कुल ना खोलें और मधु जी के साथ हम कोशिश कर एक सुंदर भजन को जो है सुनेंगे। गुरु प्रेम योग है, गुरु प्रेम योग है, जिसे लग गया समझ प्रभु संग योग है। गुरु प्रेम योग है, गुरु जिसे लग गया समझ प्रभु संग योग है। गुरु प्रेम योग है, गुरु ज्ञान मिलता नहीं मोल से, गुरु श्रद्धा लगी धीरज लगी तो खुद ही लागी योग है। गुरु प्रेम रोग है, गुरु प्रेम योग है, जिसे लग गया समझ प्रभु संग योग है। गुरु प्रेम योग है, गुरु मिल गए मुझको, हरि मिल गए, चमन हर श्वास में जब हूँ बसे तो खुद ही लागी योग है। गुरु प्रेम योग है, गुरु प्रेम रोग है, जिसे लग गया समझ प्रभु संग योग है। मेरे सतगुरु मेरे भगवन ही तुम, मुझे में समाया है बन कर गुरु, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ तो खुद ही लागी योग है।
गुरु प्रेम योग है, गुरु प्रेम रोग है, जिसे लग गया समझ प्रभु संग योग है। गुरु प्रेम रोग है, गुरु देव दृष्टि जो मुझ पर पड़ी, गुरु देव दृष्टि जो मुझ पर पड़ी, गुलजार हुई जिंदगी हर पल हर घड़ी, गुरु के संग किया सत्संग तो छूटे माया रोग है। गुरु प्रेम रोग है, गुरु प्रेम योग है, जिसे लग गया समझ प्रभु संग योग है। गुरु प्रेम रोग है। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा भजन मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आंखें सभी बंद रखें, खोए रहें प्रभु के चरणों में। करें प्रभु के चरणों में नतमस्तक, लिए प्रभु का आशीर्वाद। आइए कक्षा को दें विराम। एक लंबी ओम ध्वनि होगी, तत्पश्चात शांति पाठ। सब भरिए गहरा लंबा श्वास। कुछ पल यूं ही बैठे रहें, जिनके पास समय और भी हो और थोड़ी देर खोए रहें भगवान के चरणों में। करते रहें ध्यान प्रभु का, रविवार का दिन है। मुस्कुराते रहें यूं ही, पूरा दिन ही मुस्कुराते रहें ऐसे। बंद आंखों में आइए, दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे, विशेष योगी को ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। दोनों हथेलियों के स्पर्श को फील करेंगे। करिए जी घर्षण, और उत्पन्न हुई विशेष ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण कीजिए, पूरे शरीर पर धारण कीजिए। बड़ी कोमलता से नेत्रों को खोलिए। आज के आनंद के लिए, सुंदर साधना के लिए पुनः एक बार ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सभी जुड़े हुए साधकों का धन्यवाद करते हैं। ईश्वर की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे।
पूरे परिवार के साथ हम योग से जुड़े रहें। और मधु जी का विशेष धन्यवाद, समय निकाल कर ये सुबह हमारे साथ जुड़ती हैं। इतनी बढ़िया साधना, इतना सुंदर भजन इन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया, इसी प्रकार इनका साथ मिलता रहे, पूरा परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी कामना करते हैं। कल फिर जुड़ेंगे, ठीक 5:45 बजे जुड़ेंगे। समय से जुड़िए, स्नान करके जुड़िए, पूरे परिवार के साथ जुड़िए, औरों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।